एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम फरहीन तबस्सुम है और मैं लेह लद्दाख से हूँ। सो आज का जो व्लॉग है वो कुछ जो मेरे पिछले वाले जो वीडियोस हैं उनसे थोड़ा अलग होने वाला है, बिकॉज आई एम गोना गिव यू माई हॉस्टल रूम टूर। इतना खास नहीं है, बट जितना भी है आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू। बट आज जो है फ्राइडे है, आज छुट्टी है, क्योंकि जो महाराजा हरी सिंह है उनका बर्थडे है आई गेस, तो इसलिए गवर्नमेंट ने नया छुट्टी रखा है। तो फ्राइडे को छुट्टी हुआ और कल सैटरडे, फिर संडे। सैटरडे संडे को हमें यूजुअली छुट्टी होता है कॉलेज में। सो 3 दिन की छुट्टी है और मैं श्रीनगर नहीं गई बिकॉज कुछ काम नहीं था और हमारे क्लिनिक जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उन दिनों में वहीं पर रहूँगी इसलिए नहीं गई। तो पहले मैं रूम की थोड़ा सफाई करती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को रूम टूर दिखाऊंगी। स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले मैं अपने साइड का ये सब साफ करूं, यहाँ पे रखूंगी, और जो ये सारा है क्योंकि मेरी जो बेडिंग है वो बहुत ही खराब हो गई है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय बेड साइड। इससे पहले कि मैं सफाई शुरू करूं, मैं अपना मास्क पहनूं बिकॉज मुझे एलर्जी है। अगर एक बार ये एलर्जी आए ना, फिर आई जस्ट कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम स्नीजिंग एंड क्या क्या। सो मैं पहले अपना मास्क पहनती हूँ। और हाँ, मैंने अपने हिजाब का स्टाइल चेंज किया बिकॉज यूजुअली मैं जब काम करते वक्त हिजाब नहीं लगाती हूँ, बट आज यूट्यूब पे लगाना पड़ रहा है, सो इट्स इंटरप्टिंग मी इन माई वर्क, सो दैट्स वाई आई कैप्ट इट दैट वे, सो डोंट माइंड। So let's start the work. तो गाइस सफाई हो गई है, बहुत थक गई हूँ। अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, इसके बाद मैं आप लोगों को मेरा रूम टूर दूंगी। So let's go. तो गाइस यहाँ से जो है हमारा एंट्रेंस शुरू होता है, यहाँ से ऊपर वाला फ्लोर में जाते हैं जहाँ से हमारा रूम है, और यहाँ से कुछ ऐसे रूम है, मैं दिखाती हूँ पहले नीचे से। सो ये एक बहुत सारे रूम है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वॉश बेसिन है और यहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया है, हम यहाँ पे जो कपड़े वपड़े होते हैं वो धोते हैं। और यहाँ पे ये हमारा कूलर, फिर यहाँ पे एक और रूम है, एक वॉशरूम है, वहाँ पे फिर से एक वॉशरूम है और वहाँ पे भी एक वॉशरूम है। और ये एक इकलौता एक स्पेस है जहाँ पे खुला एरिया, यहाँ पे मैं आके कुछ एक्सरसाइज करती हूँ, अपना स्कीपिंग करती हूँ। और यहाँ से बहुत अच्छी धूप आती है गाइस। और ये हमारा दूसरा वॉशरूम है। सो हम वहाँ से आए थे तो इस साइड जाएंगे पहले। तो यहाँ से हमारे और सीनियर्स का रूम है और यहाँ से भी सीढ़ियाँ हैं जहाँ से अब हम अपने रूम की तरफ जाएंगे। सो हियर्स अनदर रूम। और यहाँ पे एक काइंड ऑफ बैल्कनी जैसा है ऐसे करके। तो कभी कभी मैं यहाँ पे आती हूँ धूप सेकने के लिए, जब धूप लगती है और जब बारिश होती है, जो कि मेरे फेवरेट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हॉस्टल के बारे में कुछ बात बोलूँ। ये जो हॉस्टल है वो हमारा एक्चुअल हॉस्टल नहीं है कॉलेज का, ये पुराना हॉस्टल है। सो ये बहुत ही पुराना है, जितना ये पुराना है उस हिसाब से बहुत ही वेल मेंटेन है। जब पहली बार आई थी बाहर से दिखने में मुझे बहुत ही अजीब लगा, बट जब अंदर आई थी रूम के अंदर, सो इट वॉज जस्ट क्वाइट बेटर जितना बाहर से दिखता है। सो दैट्स इट। और ये हमारा छोटा सा बैल्कनी है जहाँ से बहुत अच्छी धूप आती है, और मैं बारिश में यहाँ पे बैठती हूँ चेयर लगा के। और जब एग्ज़ाम्स होता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है लोगों के साथ पढ़ने की, तो जब दिन होता है तब मैं यहाँ पे चेयर लगा के यहीं पे पढ़ती हूँ। सो लेट्स जस्ट गो इनटू माय रूम, उस साइड है जो उस साइड से भी सीढ़ियाँ हैं, इस साइड से भी सीढ़ियाँ हैं हम जा से भी। और वहाँ कॉर्नर में एक और बाथरूम है और उस साइड में और एक बाथरूम है। तो जब ऐसे ही हम यहाँ से आते हैं और ये रहा हमारा रूम। और यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा एक बेड था पुराना वाला, तो हमने बाहर निकाला, वहाँ पे भी एक है बिकॉज रूम में स्पेस कम हो जाता है, दैट्स वाई। तो अभी हम यहाँ पे जूते रखते हैं। तो ये मेरे जूते हैं जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, एंड स्लीपर्स एंड ऑल।
और अभी हम चलते हैं यहाँ से मेरे रूम में। सो गाइस, यहाँ से हमारा रूम है और इस रूम में दो ऐसे करके खिड़कियाँ हैं। सो वेलकम टू माय रूम। मैं शूज निकालती हूँ और हाँ, मैं फैन ऑफ करना भूल गई। वेट, यहाँ से फैन ऑफ करते हैं। पहले मैं बंद कर दूँ ये, बिकॉज आई एम अलोन, यहाँ पर मैं अकेली हूँ। सो पहले हमारे रूममेट्स के बेड से शुरू करते हैं। मैं अपना वाला लास्ट पे दिखाती हूँ। सो ये रहा उल्फत। उल्फत का ये बेड है ऐसे करके, ये उल्फत का बेड है और ये इकरा का साइड है, इकरा का बेड। तो हमारा यहाँ पे एक छोटा सा एक स्टडी टेबल है, सबके लिए एक ही है। यहाँ पे बैठ के हम लाइक स्टडी इतना नहीं करते हैं, बट ऐसे ही। सो यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई हैं और हमने कुछ डेकोरेट करने का कोशिश की। सो यहाँ पे मेरे जो भी है, मैं बहुत पानी पीती हूँ ना, एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ दीज, यू नो, ऐसे मग्स और ऐसे सिपर्स मुझे अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। सो दैट्स इट। सो यहाँ पे इस कॉर्नर में मेरे दूसरे रूममेट का रुकैया का बेड है, जो कि रिसेंटली आई थी हॉस्टल में। पहले हम तीन ही थे। एंड हियर कम्स माय साइड, ये मेरा साइड है। पहले मैंने उस साइड वाला रखा था, बट वहाँ पे खिड़कियाँ हैं और बाहर बाजार जैसा है, तो बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था और बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है वहाँ से। सो आई शिफ्टेड टू दिस साइड। सो जो नीचे इतना सारा सामान दिख रहा है वो मेरा है, मैंने सारा अंदर ही घुसाया क्योंकि मुझे बाहर बिल्कुल नहीं पसंद। सो ये मेरा एरिया है जहाँ पे शेल्फ जैसा है, जो मैं खुद लेके आई थी, जो मेरे पहले वाले रूम का था, जम्मू का शेल्फ है। यहाँ पे सबसे नीचे वाले साइड पे मैं रखती हूँ अपना बर्तन वर्तन, जो भी मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं, दस्तरखान वगैरह, और ऊपर वाली साइड पे ऐसी चीज़ें, एंड इससे भी ऊपर मेरे कुछ बुक्स हैं। और यहाँ पे मैं अपना ये सारा सामान रखती हूँ, जो भी मैं लगाती हूँ या फिर जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेरे कुछ स्क्रंचीज़ है, यहाँ पे मेरे स्पेक्स है, और यहाँ पे मेरे कुछ मास्क है और आई मास्क है, जिसकी बिना मुझे नींद नहीं आती। एंड दैट्स इट। और ये मेरे छोटा सा ये कुछ रखने वाली ऑर्गेनाइजर है, जो मैंने यहीं से लाया था। इट्स वुडन एंड आई जस्ट लव दिस एंड इट्स रियली क्यूट। इसकी वजह से ना मेरा सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है। और इसमें एक छोटा सा डोर भी है, जिसके अंदर मैं अपनी ऐसे पिंस वगैरह, नेल कटर और जो भी है, कॉइन्स और मेडिसिन ये रखती हूँ। सो ये मेरा छोटू सा एलेक्स है की चेन। तो यहाँ पे मेरे कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स है और दैट्स इट। सो ऐसे करके यहाँ से ये वाला पोर्शन हो गया। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पोर्शन। तो यहाँ पे कुछ कुछ अलमारी जैसा दिया हुआ है, जो कि पूरा कम्प्लीटली अलमारी जैसा नहीं है, बट कुछ स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे मैं अपने ये स्किपिंग रखती हूँ, जो मैं कभी कभी करती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक ये नेल लगाया, जिसपे मैं अपना ये ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ, ये चार्जर एंड ऑल, बिकॉज मुझे टैंगल बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैंने ये अपना एक छोटा सा ड्रीम कैचर यहाँ पे रखती हूँ, इसका ट्यून मुझे बहुत पसंद है और ये मेरी फ्रेंड शवात ने मुझे दिया था। सो थैंक यू शवात। एंड यहाँ पे बोलो मेरा काइंड ऑफ मिनी किचन है, लाइक पकाती नहीं हूँ, जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वही रखा है मैंने। सो यहाँ पे मेरे छोटा सा पैन है जिसमें मैं ऑमलेट बनाती हूँ। यहाँ पे मेरा ये आई कार्ट है और ये मेरा छोटा सा लाइक राइस कुकर जैसा है, जिसमें मैं पानी भी बॉयल करती हूँ, अपना ग्रीन टी बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, मैगी बनाती हूँ, ओट्स बनाती हूँ। और ये मेरा ग्रीन टी, मेरे टिफिन्स और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सॉल्ट, शुगर, और मेरा ये छोटा सा बॉटल, और ये मेरा पीनट बटर जो मैं सुबह खाती हूँ, और ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरत की चाय के लिए, ये सारा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई चॉपस्टिक्स। दैट्स इट। फिर आते हैं मेरे इस साइड वाले पोर्शन पे, जहाँ पे मैंने यहाँ पे आइडल कुर्सी लगाया हुआ है, जो मेरे मम्मा ने दिया था ताकि मैं सेफ रहूँ। इसके बाद ये मेरा छोटा सा मेरे साथी, जो जो मैं अकेली होती तो बड़ा साथ देते हैं, एंड इनके साथ सोने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज आई जस्ट लव क्या बोलते हैं, स्टफ टॉयस। सो यहाँ से आते हैं फिर यहाँ पे
एक विंडो आता है, तो यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ हैंग करके, जैसे मेरे बैग्स है ये सारा, एंड वो मेरा टिफिन टिफिन का कवर है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं अपनी कुछ चीज़ें रखती हूँ, और वहाँ से जो कि यहाँ पे दो ही स्विच है, सो आई जस्ट मैंने मेरे पहले रूम में था ये एक्सटेंशन, तो मैंने एक्सटेंशन ला के यहाँ पे रखा है, बिकॉज ईजी होता है चार्ज करना। तो यहाँ पे मेरे जन नमाज है, मेरे चादर है जो मैं नमाज के टाइम पे पहनती हूँ, और ये रहा कुरान, यहाँ पे रखा है क्योंकि यहाँ पे रखने से उनको ये होता है, लाइक क्या बोलते हैं, उनके पैर इस साइड है ना, इसीलिए, सो दैट्स व्हाई आई केप्ट इट हियर। और हाँ, ये छोटा सा मेरा एक स्टडी टेबल है जिसपे मैं खाना भी खाती हूँ, काइंड ऑफ माई मिनी डाइनिंग टेबल बोल दो, और इस पे मैं पढ़ती हुई हूँ, वो बड़े वाले उस पे नहीं पढ़ती इतना मैं, क्योंकि वो सबके लिए है और कोई भी नहीं पढ़ता वहाँ पे, सब अपने बेड पे ही बैठ के पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ती हूँ, सो दैट्स इट। तो गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि बाहर से कैसा दिखता है हमारा ये जो सीनरी है। तो यहाँ से पूरा बाजार जैसा है, तो आज फ्राइडे है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बिकॉज़ यहाँ पे चार शरीफ स्थान नज़दीक है, तो थर्सडे फ्राइडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, यूजुअली भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट थर्सडे फ्राइडे को ज़्यादा होता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ मार्केट हियर, यहाँ पे लाइक कुछ कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, और वहाँ पे पकौड़े मिलते हैं, बिरयानी मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, बट हम थक गए हैं वो खा खा के, एंड मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी हो गई हूँ, सो दैट्स इट। बाहर का नज़ारा ऐसा दिखता है, सो मैं बंद कर रही हूँ बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और ये भी बंद करूँ। सो गाइज, दैट्स इट, इट्स जस्ट माय लिटिल पर्सनल एंड कंफर्टेबल स्पेस हियर, कुछ इस तरह का दिखता है लाइक ओवरऑल। सो दैट्स द एरिया, वो वाला एरिया मेरा है, सो एंड आई जस्ट लव टू यू नो कीप ऑल द थिंग्स इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एंड दैट्स इट, ये रहा मेरा रूम, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आई डोंट नो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज और अच्छे से बना के रखने की कोशिश की है, बिकॉज मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, लाइक घर जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ अपने घर जैसा रखने की। एंड दैट्स इट, इट्स जस्ट माई यू नो लिटिल पर्सनल स्पेस जहाँ पे मैं रहती हूँ, और मैं अपना थंबनेल के लिए थोड़ा पोज डालूं। सो दैट्स इट। तो जो हमारे हाँ, और आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरा रूम जो है वो खाली खाली दिख रहा है, बिकॉज मेरे रूममेट्स कहाँ चले गए। एज मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि 3 दिन की छुट्टी है हमें, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, सो मोस्ट ऑफ द जो हॉस्टल में बैठने वाले अलॉन्ग विद माय रूममेट्स वो सारे घर गए। मैं इसलिए श्रीनगर नहीं गई क्योंकि कुछ काम नहीं था, सो दैट्स वाई मुझे सफाई करनी थी, अभी सफाई हो गई है रूम की, अभी मुझे कुछ कपड़े धोने हैं, लॉन्ड्रीज बहुत सारी, तो और फिर खुद को भी साफ करना है बिकॉज सफाई करके मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो अभी कितने बज रहे हैं, अभी 12 बज रहे हैं, इसके बाद मैं लंच करूँगी, एंड दैट्स इट। यहाँ पे एक रूम में चार चार लड़कियाँ हैं, ऐसे तो लाइक इतने बच्चे नहीं इसीलिए चार चार रख रहे, वरना छः छः रखते हैं, लाइक एक रूम में 6 बेड्स हैं, तो जो 2 बेड है हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि बहुत स्पेस कम हो रही थी, तो हम 4 हैं, मैं, रुकैया, उल्फत एंड इकरा, मेरे रूममेट्स, तो इसीलिए आज वो तीनों नहीं है ना, इसीलिए मैं इतने अच्छे से वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज आई एम जस्ट नॉट कंफर्टेबल टू मेक वीडियोस इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, बट कोई नहीं, धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाऊंगी। सो आज मैं ऐसे बैठी थी तो मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस बना लूँ, मैं बहुत टाइम पहले से ही सोच रही थी रूम टूर बनाने का, तो आज मैंने कर लिया क्योंकि 3 दिन का छुट्टी है, तो इट्स जस्ट टू मच फॉर मी, और बैठे बैठे बोर भी हो रही थी, सो उठ के बना लिया। दैट्स इट गाइज, अभी रूम बहुत साफ लग रहा है, पहले भी साफ था, इट्स नॉट लाइक दैट, बट होता है ना वीकेंड्स में हम अच्छे से सफाई करते हैं, सब कुछ ऑर्गेनाइज रखते हैं, सो स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, जब होता है ना थोड़ा लाइक एनजाइटी होती है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, तो मैं उठ के सफाई करती हूँ, दैट जस्ट यू नो रिलीफ मिलता है सफाई करके, लाइक ऐसे भी जब नॉर्मल डेज में भी सफाई करते हैं, तो आई फील जस्ट सो सेटिस्फाइड बाई दिस।
एंड बड़ा भी बहुत थक गई हूँ। लंच का टाइम हो रहा है, अभी 1 बजे मैं लंच करूँगी। लंच में होगा पनीर, जिसको कश्मीरी में बोलते हैं आई गेस, पनीर को सामन। हाँ, सामन का सीन है आज। क्योंकि कल रात जो देते हैं वही आज भी देते हैं। अभी भी यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। और एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड टू शिफ्ट टू माई न्यू हॉस्टल। आई गेस नॉट दिस ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर वो ले जाएंगे, क्योंकि अभी काम चल रहा है। कुछ भी मतलब वो नहीं है। ये वाला हॉस्टल भी अच्छा है। बताइएगा गाइस, मेरा जो आज का रूम टूर है वो कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट डाउन करिए कि आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, लाइक भूलना मत अभी सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज मैं लद्दाख जा रही हूँ अक्टूबर में अपनी कजन की शादी में। सो देयर इज अ लॉट मोर वीडियोज टू कम, स्पेशली लद्दाख की ट्रेडिशनल स्टाइल वेडिंग। सो आई होप आप लोग मिस नहीं करना चाहोगे। अगर मिस नहीं करना है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।